हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जॉन कीट्स के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इससे पहले लास्ट जो हमारी वीडियो हुई है वो हम विलियम वर्ड्सवर्थ के एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे थे, वो अब मैंने सम अप करके इसके बाद अब जॉन कीट्स की सीरीज आज से स्टार्ट की है। आई होप आपको ये वीडियोज अच्छी लग रही होंगी। और इससे पहले मैं विलियम शेक्सपियर एंड पीवी शैले इन सभी के एमसीक्यूज करा चुकी हूँ, उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। आपको अगर इच्छा हो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो बहुत अच्छे लेवल की, तो आप चाहो तो उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज हमारा नया राइटर स्टार्ट हो रहा है, अभी इसके ही एमसीक्यूज हम करेंगे कंटिन्यूएशन में ऑलमोस्ट वन वीक तक। और जैसा कि आपको पता ही है, ये मैं पर्टिकुलरली, ये हमारे इसका जो सिलेबस है जिसमें हालांकि उन्होंने एजेस को ज़्यादा मेंशन किया है, जैसे वर्ड्सवर्थ के वर्क हैं उसके बाद इन्होंने रोमांटिक एज को, फिर विक्टोरियन एज को इस तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन एजेस में भी उन्होंने कुछ राइटर्स को मेंशन करके दिया है, तो उन राइटर्स को लेकर हम ये एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम पर्टिकुलरली एजेस को लेकर भी करेंगे क्वेश्चंस एमसीक्यूज, और उसके बाद में हम मिक्स टाइप के प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अब बातें बहुत हो गई, अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, तो जैसा कि आपको पता ही है, हम जो स्टार्ट करेंगे इनके बॉर्न और डेथ वाली डेट से करेंगे। तो देखते हैं, इन विच ईयर जॉन कीट्स वाज बॉर्न। तो जॉन कीट्स का जन्म कौन से ईयर में हुआ था, 1759, 1795, 1812 या फिर 1821? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ईजीएस्ट वन है, यस, ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, क्या है, 1795। ओके, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड इज, इन विच ईयर डिड जॉन कीट्स पास अवे? कौन से ईयर में जॉन कीट्स की मृत्यु होती है, 1759, 1795, 1812 या फिर 1821? तो आप आसानी से देखिए, इन जन्म ही 1795 में हुआ है, तो इससे पहले वाला ईयर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अब आपको गेस करना है कि 1812 है या 1821 है। जैसा कि आप जानते ही हैं, जॉन कीट्स की जो मृत्यु थी वो काफ़ी कम एज में हो गई थी, लेकिन इतनी भी कम नहीं थी कि हम 12 को ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है 1821। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज, द सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ एंडीमियन विच इज बिलीव्ड टू हैव हेस्टन कीट्स डेथ अपियर्ड इन। तो देखिए, एक वर्क आता है कीट्स का जिसका नाम है एंडीमियन, जिसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो क्रिटिसिज्म कौन सी मैगजीन से, मैगजीन में प्रिंटेड हुआ था या किसके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था, और जो कहीं ना कहीं रीज़न बना कीट्स की मृत्यु का। ऑप्शन है क्वार्टरली रिव्यू, एडिनबर्ग रिव्यू या फिर ब्लैकबोर्ड्स मैगजीन, लंदन मैगजीन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सोचिए, आंसर कीजिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है क्वार्टरली रिव्यू। हालांकि दो मैगजीन का नाम जुड़ा हुआ है, ब्लैकबोर्ड मैगजीन भी है आई थिंक, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर की हम इसी आंसर को लेके चलेंगे, क्वार्टरली रिव्यू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ इज, रेफरिंग टू एडोनियस, शैली सेड, आई हैव डीप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स, हु वर दोज डिस्ट्रॉयर्स? तो वो डिस्ट्रॉयर्स एग्जैक्टली कौन है? ठीक है, मतलब देखिए, शैली का एक वर्क है एडोनियस, एडोनियस शैली ने किसकी मृत्यु पे लिखा था, ये एडोनियस एक तरीके की इलेजी है जो जॉन कीट्स की मृत्यु पे शैली लिखते हैं, उसके अंदर एक लाइन लिखते हैं शैली, लाइन क्या है, आई हैव डीप्ड माय पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, यहाँ पर कीट्स के डिस्ट्रॉयर्स की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रॉयर्स कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, द एडिटर्स ऑफ लंदन मैगजीन, द एडिटर्स ऑफ क्वार्टरली रिव्यू, द एडिटर्स ऑफ ब्लैकबोर्ड्स मैगजीन या फिर द एडिटर्स
ऑफ बोथ क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकबोर्ड मैगजीन? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, जैसा कि मैंने थर्ड क्वेश्चन में कहा था कि वहां पर दो मैगजीन है ना, उन दोनों का ही नाम जुड़ा हुआ है. तो आप इन दोनों ही आंसर को, इनको बोथ करके लिख सकते हो. इसमें ऑप्शंस गिवन देने में प्रॉब्लम हुई है, ऐड कर लेते हैं. ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ब्लैकबोर्ड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू. और यहाँ पर भी जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? द एडिटर्स ऑफ बोथ क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकबोर्ड मैगजीन. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द एडिटर्स ऑफ बोथ क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकबोर्ड मैगजीन, हाउ डिड कीट्स बिगिन हिज करियर? आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, इसे हम कट कर देते हैं. यस, हमें देखना है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड कीट्स बिगिन हिज करियर? कीट्स ने अपने करियर की शुरुआत किस तरीके से की थी? ऑप्शंस हैं एज एन अप्रेंटिस इन एन अपोथिकारी, नेक्स्ट इज एज अ प्रूफ रीडर इन अ पब्लिशर्स फर्म, एज अ सब एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, एज अ क्लर्क इन एन ऑफिस. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हाउ डिड कीट्स बिगिन हिज करियर? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, एज एन अप्रेंटिस ऑफ एन अपोथिकेरी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, सिक्स्थ इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ कीट्स एट सच एन अर्ली एज? तो इतनी जल्दी, इतनी अर्ली एज में उनकी डेथ होने के पीछे कारण क्या रहा, कॉज क्या था? फ्रस्ट्रेशन इन लव, एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पोएट्री, या फिर ड्रॉनिंग, या फिर डिसीज ऑफ कंजप्शन? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. व्हाट वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ? सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the right answer? Yes, disease of consumption. Option number D is the correct answer. Moving to the next question. Seventh is Hyperion presents a war between. Hyperion जो work है वो represent करता है एक war को. किस किस के बीच में? Saturn and archangels, gods and devils, टाइटन्स एंड ओलंपियंस, या फिर ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हाइपेरियन किस किस के बीच के वॉर की प्रेजेंटेशन करता है या रिप्रेजेंट करता है? Yes, the correct answer is Titans and Olympians. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, Titans and Olympians. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट इज हु वॉज लामिया? लामिया कौन थी? ऑप्शन आर अ फेरी, नेक्स्ट इज एन एंचेंट्रेस, या फिर अ सर्पेंट वूमन, या फिर अ निम्फ? हु वॉज लामिया? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां जो राइट आंसर है वो है अ सर्पेंट वूमन. ठीक है, ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज इजाबेला इज अ स्टोरी ऑफ लव बिटवीन इजाबेला एंड. इजाबेला जो वर्क है वो एक स्टोरी है, एक लव स्टोरी है. किस किस के बीच में? इजाबेला एंड. ऑप्शंस आर पोरफायरो,
लोरेंजो, लेसियस या फिर कॉरिंथ? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? Yes, Isabella and Lorenzo. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजाबेला और लोरेंजो के बीच की लव स्टोरी है जिसका नाम है इजाबेला। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज हु इज द राइटर ऑफ अ फेमस पेस्टोरल इलेजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स? वेरी इजी क्वेश्चन। एक बहुत ही फेमस पेस्टोरल इलेजी है जिसका राइटर कौन है, और वो इलेजी किसकी डेथ पर लिखी गई है? कीट्स की। और उस इलेजी का नाम क्या है? एडोनियस। ठीक है, ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, बायरन, वॉल्टर स्कॉट या फिर शैले। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? यस, पीबी शैले। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हु सेज कीट्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन? कीट्स के विषय में ये किसने कहा है? वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। ऑप्शंस आर बायरन, शैले, वॉल्टर स्कॉट या फिर नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। हु इज द स्पीकर हियर? बायरन, शैले, वॉल्टर स्कॉट, नन ऑफ दीज। यस, ये जो स्टेटमेंट कही है, कीट्स को कहा है वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन, इट इज सेड बाय शैले। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल स्पैन ऑफ कीट्स लाइफ? तो कीट्स के जीवन का टोटल स्पैन कितना था? जैसे हमने मृत्यु और जन्म का ईयर देखा था, 1795 to 1821, तो आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए, 5 इयर्स ये हो गए 1800 करने के लिए, और 21, ये 5 और 21 प्लस यानी कि 26 इयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 13, वेट अ मिनट, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द इलेजी रिटन बाय शैली ऑन द डेथ ऑफ कीट्स? ये क्वेश्चन भी बन गया है, और इसका हम इसके बारे में चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि कीट्स के लिए शैली के द्वारा जो लिखी गई इलेजी है कीट्स की डेथ पर, उसका नाम क्या है? थायरिसिस है, एस्ट्रोफिल है, लिसिडस है या फिर एडोनियस है? तो इजी क्वेश्चन, एडोनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 इज वन ऑफ द कीट्स ओड्स एंड्स विद द लाइन। कीट्स का एक ओड है जो इस लाइन से एंड होता है। लाइन क्या है? फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी वी फेयर। विच ओड्स? यहाँ पर कौन से ओड की बात की जा रही है? कौन से ओड की ये लास्ट लाइन है? फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर। ऑप्शंस आर ओड टू अ नाइटिंगेल, टू ओड टू साइकी, ओड टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। सोचिए, आंसर कीजिए। और कीट्स को अपने ओड्स के लिए ही ज्यादा जाना जाता है। कीट्स बहुत ज्यादा फेमस है अपने ओड्स के लिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, ये जो गिवन लाइन है, ये लास्ट लाइन है किसकी? ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये तो आपने अक्सर सुनी हुई लाइन है आपकी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे ब्यूटी लिखना
मिस हो गया है. यस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. अ वर्ल्ड्स टेल ऑफ कीट्स बिगिन विद दिस लाइन. विच टेल? कीट्स की एक वर्ड्स टेल है, मतलब एक स्टोरी है जो वर्ड्स में लिखी हुई है, ठीक है. और यहाँ पे पूछा गया है कि उसकी जो शुरुआत होती है वो इस लाइन से होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. तो उसका नेम क्या है, जो वर्ड्स टेल है उसका नेम क्या है? ऑप्शन है हाइपीरियन, ईव ऑफ सेंट मार्क, ईव ऑफ सेंट एग्नेस या फिर एंडीमियन. क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. और अक्सर पूछे जाने वाली लाइन है, ये भी पूछ लेते हैं कि किसकी लाइन है, जॉन कीट्स की लाइन है. जॉन कीट्स के कौन से वर्क से है ये भी पूछा जाता है. फर्स्ट लाइन है या लास्ट लाइन है ये भी पूछा जाता है. इनफैक्ट इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी पूछी जाती है. तो लाइन कई तरीके से पूछी जा सकती है. यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है एंडीमियन, ठीक है. एंडीमियन की ये फर्स्ट लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, 16 इज अ क्रिटिक सैड अबाउट कीट्स. एक क्रिटिक ने कीट्स के बारे में कहा है, ही इज विद शेक्सपियर. हु इज दिस क्रिटिक? कौन है ये क्रिटिक जिसने कहा है ही इज विद शेक्सपियर? ऑप्शंस आर हैजलिट, कॉलरिज, रस्किन या फिर मैथ्यू हार्नोल्ड. हु इज दिस स्पीकर हियर? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, ये जो स्टेटमेंट कही गई है वो कही गई है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मैथ्यू आर्नोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीट्स सेड अबाउट हिमसेल्फ. कीट्स अपने विषय में कहते हैं, माय नेम इज राइट इन वाटर, व्हाई डिड ही से सो? तो वो ये ऐसा क्यों कहते हैं, माय नेम इज राइट और रिट इन वाटर? ऑप्शंस आर बिकॉज ही हैड अ प्रीमोनिशन ऑफ हिज अर्ली डेथ, बिकॉज ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव, because he had no hope of his being remembered as a poet, because he suffered from consumption. So what was the reason behind it? सोचिए, आंसर कीजिए. कीट ने कहा है अपने लिए my name is written in water, तो ऐसा क्यों कहा है? because he had a premonition of his early death, या फिर because of his frustration in love, because he had no hope of his being remembered as a poet, because he suffered from consumption. क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, ऐसा कहने के पीछे जो मेन रीजन है वो है बिकॉज ही हैड नो होप ऑफ हिज बींग रिमेंबर्ड एज अ पोएट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Now moving to the next question. 18th is Madeline is the main character and heroine of a narrative poem of Keats and a poem is. And the poem is. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि Madeline जो है वो एक main character है और heroine है Keats की एक narrative poem की. वो poem कौन सी है? Options are Eve of St. Agnes, Eve of St. Mark, Hyperion या फिर Endymion. What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए. मेडलिन किस वर्क की हीरोइन है? What should be the right answer? यस, यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ईव ऑफ सेंट एग्नेस. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ईव ऑफ सेंट एग्नेस. नेक्स्ट इज 19, विच वर्क्स ऑफ कीट्स इज बेस्ड ऑन ड्रेटन्स
द मैन इन द मून एंड फ्लेचर्स द फेथफुल शेफर्डस। तो कीट्स का कौन सा वर्क है जो इन दो वर्क पे बेस्ड है, एक तो ब्राइटन के द मैन इन द मून और एक फ्लेचर का वर्क है द फेथफुल शेफर्डस। तो इन दोनों वर्क पे बेस्ड कौन सा वर्क है कीट्स का? ऑप्शन है इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, हाइपीरियन या फिर एंडीमियन। बताइए कीट्स का वो कौन सा वर्क है जो फ्लेचर के द फेथफुल शेफर्डस पे बेस्ड है। सोचिए आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज एंडीमियन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजाबेलाज लवर लोरेंजो इज ट्री आकर treacherously killed by her rival lover, her brothers, her foster father, her uncles. तो इजाबेला का जो लवर होता है लोरेंजो, वो treacherously killed by किसके द्वारा मारा जाता है? Her rival lover, her brothers, her foster father या फिर her uncle। सोचिए आंसर कीजिए। यस, यहां जो राइट आंसर है वो है हर ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हर ब्रदर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21 इज एंडीमियन इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन द हीरो एंडीमियन एंड। एंडीमियन जो स्टोरी है ये भी एक लव स्टोरी है। हीरो कौन है इसमें? एंडीमियन। और यहाँ पे पूछा जा रहा है हीरोइन का नेम। ऑप्शन है वीनस, प्रोस्पेरपीना या फिर एग्नस या फिर सिंथिया। हु इज द हीरोइन ऑफ दिस वर्क? एंडीमियन। सोचिए आंसर कीजिए। What should be the right answer? Yes, यहां जो correct answer है वो है Cynthia. Option number D is the correct answer. It is the love story of Endymion and Cynthia. Next question is, in the lines quoted above, in question 14, what does arrow imply? आई थिंक इसके लिए हमें एक और क्वेश्चन पे डिपेंड होना पड़ेगा, इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 23, विच पोएम ऑफ कीट्स इज मॉडल्ड ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी पोएम है कीट्स की जो मॉडल्ड है ऑन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। मतलब मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट में जिस तरीके का स्टाइल, जिस तरीके का स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, उसी को फॉलो किया गया है कीट्स के द्वारा अपने इस पोएम में। वो कौन सी पोएम है? ऑप्शन है हाइपीरियन, इजाबेला, एंडीमियन या फिर लामिया। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, यहां जो राइट आंसर है वो है हाइपीरियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाइपीरियन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट अ मिनट, यस 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कीट्स इज अ स्टोरी ऑफ द इलोपमेंट ऑफ टू लवर्स। इनमें से वो कौन सी स्टोरी है बताइए? द स्टोरी ऑफ द इलोपमेंट ऑफ टू लवर्स। ऑप्शंस आर द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, हाइपीरियन, इजाबेला या लामिया। यू कैन इजीली आंसर इट। व्हाट शुड बी द राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ जो राइट आंसर है वो है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 25th इज विच वर्क ऑफ कीट्स इज बेस्ड ऑन बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली। तो कीट्स का कौन सा वर्क है जो बेस्ड है बर्टन के द एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली पर। बर्टन का एक वर्क है, ये भी एक क्वेश्चन प्रिपेयर होता है कि बर्टन के द्वारा लिखा गया है द एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली। इसी पे बेस्ड कीट्स ने भी एक वर्क लिखा है, उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है एंडीमियन, हाइपीरियन या फिर इजावेला या फिर लामिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। यस, द एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली, इस पर बेस्ड जो वर्क है कीट्स का वो है लामिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लामिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26th इज कीट्स टुक द स्टोरी ऑफ एंडीमियन फ्रॉम। कीट्स ने जो एंडीमियन की स्टोरी है वो कहाँ से ली है, आयरिस लीजेंड से, इटालियन फॉकटेल से, हाइपीरियन या फिर रोमन मिथ्स। आप हाइपीरियन के आगे लिख सकते हैं ग्रीक माइथोलॉजी। ठीक है, आयरिश लीजेंड से, इटालियन फॉकटेल से, ग्रीक माइथोलॉजी से या फिर रोमन मिथ से, जो एंडीमियन की स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, द राइट आंसर इज ग्रीक माइथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रीक माइथोलॉजी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 27th इज कीट्स ला बैले डैम सेंस मर्सी इज अ। कीट्स का ये जो वर्क है ला बैले डैम सेंस मर्सी, इट इज अ लिरिक, यहाँ पे सी कर लीजिए, बैलेट, सोनेट या सॉन्ग। यस, और देखिए ये जो टाइटल है ये इंग्लिश में नहीं है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, इस वर्क का इंग्लिश मीनिंग क्या है, इस टाइटल का ला वैले डैम सेंस मर्सी, तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है, अ ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये किस जॉनर में है, ये लिरिक है, बैलेड है, सोनेट है, सॉन्ग है, क्या है। यस, इट इज़ अ बैलेड, ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज़ अ बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 इज कीट्स वॉल्यूम ऑफ पोएम्स ऑफ 1817 वाज डेडिकेटेड टू। कीट्स का एक पोएटिक कलेक्शन है जो है पोएम्स ऑफ 1817। ठीक है, ये किसको डेडिकेटेड है। ऑप्शंस हैं स्पेंसर, फैनी ब्राउन, वर्ड्सवर्थ या फिर ले हंट। सोचिए, आंसर कीजिए। पोएम्स ऑफ 1817, दिस इज डेडिकेटेड टू, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, इट इज डेडिकेटेड टू ले हंट, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द मेन कैरेक्टर हीरो ऑफ कीट्स लामिया। तो कीट्स के कवर जो है लामिया, उसका मेन कैरेक्टर या हीरो कौन है, कॉरिनेथ, कॉरिंथ या फिर पॉरफायरो, लॉरेंजो, क्लाइमेनी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, सोचिए, आंसर कीजिए। लामिया का मेन कैरेक्टर कौन है, कॉरिनेथ है, पॉरफायरो है, लॉरेंजो है या फिर क्लाइमेने है। यस, द करेक्ट आंसर इज कॉरिनेथ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कॉरिनेथ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, कीट्स वाज अ ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड, व्हाई इज इट सेड सो, ऐसा क्यों कहा गया है ये बताना है। देखिए यहाँ पे सैड आना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं सैड, ठीक है। कीट्स वाज अ ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड, ऐसा क्यों कहा गया? ऑप्शन है बिकॉज कीट्स हैड ग्रेट फैसिनेशन फॉर ग्रीक हीरोज, या फिर बिकॉज कीट्स वॉज अ हाईली सेंसुअस पोएट लाइक द ग्रीक पोएट्स, बिकॉज कीट्स बोरोड मोस्ट ऑफ हिज आइडियाज थीम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, और ऑप्शन डी है बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट एडमिरल ऑफ होमर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कीट्स को ऐसा क्यों कहा गया है कि कीट्स वॉज अ ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड? सोचिए आंसर कीजिए। यस, यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा वो क्या होगा? बिकॉज कीट्स बोरोड मोस्ट ऑफ हिज आइडिया थीम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर अपनी पोएम्स के जो आइडियाज़ हैं, जैसे आप ओड टू द ग्रेशन अर्न ले लीजिए, ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई चीज़ें हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज कीट्स बोरोड मोस्ट ऑफ हिज थीम आइडियाज फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।